मीनाल दीक्षित के साथ रूबरू में आप देखेंगे देश की राजनीति में क्या होगा 2019 में चुनाव की रणनीति। देश का क्या है मिजाज, क्या है विकास के नाम पर राजनीति का रंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। MNS न्यूज के एक विशेष कार्यक्रम रूबरू में मैं निनाद दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस रूबरू के सिलसिले में हम मिलने आए हैं राजकुमार जी बड़ोले इनसे, जो महाराष्ट्र प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री है व गोंदिया जिला के पालक मंत्री है। स्वागत है राजकुमार जी। नमस्ते। आपसे पहला ही प्रश्न ये है कि आपके मंत्रालय की कौन सी उपलब्धियाँ लेके आप 2019 में चुनाव के मैदान में उतरेंगे। नमस्कार। 2019 का जो विषय है तो निश्चित ही महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे काम किए हैं कि वो कामों की अगर हम लोग गिनती शुरू करें तो बहुत बड़े पैमाने पे है। जहाँ तक महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री पद का जो हमारा दायित्व है वो हमने बड़े अच्छे से निभाने का प्रयास किया है और निश्चित ही लोगों की प्रशंसा है उसमें है। जहाँ तक विचार करें तो लंदन का जो घर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1920 और 22 के दरमियान जहाँ पढ़ते थे वो लंदन का घर हमने ख़रीदा। पिछले सरकार में वो ख़रीदना नहीं जमा, वो फाइल कई सालों से इधर के उधर वो टेबल पे घूमती रही और कहीं बाहर के विदेश में कोई वस्तु खरीदना सरकार को नहीं जमा। इस बार पहली बार प्रयास ऐसा हुआ कि लंदन में बाबा साहब जहाँ पढ़ते थे वो वास्तु खरीदने का हमने प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उस वास्तु का हमने लोकार्पण भी किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब देशवासियों के लिए है। दूसरी उपलब्धि अगर हम बोले तो इंदू मिल, जिसके लिए कहीं आंदोलन हुए जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाना चाहिए करके वहाँ पे भरसक पिछले सालों तक कई सालों तक प्रयास किए गए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम पिछले सरकार में नहीं जमा। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी साहब के पास में हमने वो प्रस्ताव रखा और उन्होंने वो जो इंदू मिल की जो जगह थी जिसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपया है वो जगह महाराष्ट्र सरकार को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने के लिए 12.5 एकड़ जगह दी गई। मुझे लगता है ये दोनों प्रयास होने के बावजूद इसके कारण और उसके बाद में सामाजिक न्याय विभाग ने इतने सारे काम किए। इंदू मिल के जगह पे हम लोग 350 फीट की परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनाने जा रहे हैं, उसका काम भी हमने शुरू किया है और काम प्रोग्रेस में है। 2020 में 14 अप्रैल 2020 तक वहाँ पे हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक का काम पूरा करेंगे। उसके साथ साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ जहाँ गए थे उन सभी जगह का वहाँ पे स्मारक बनाने का काम, लोगों के जो प्रस्ताव आए उसके हिसाब से हम उसका डेवलपमेंट का काम भी हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसी अन्य अनेक चीज़ें हैं, जैसे पुराने जो प्रस्ताव थे हमने पहले जात प्रमाण पत्र जो था वैधता प्रमाण पत्र वो एक जगह पे नहीं वो मिलाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी। 15 समितियाँ थी और जिसके कारण ज़िले में समितियाँ नहीं होने के कारण वहाँ पे बड़ी तकलीफ होती थी। कास्ट वैलिडिटी के लिए लोगों को घूमना पड़ता था, विद्यार्थियों को घूमना पड़ता था, इलेक्शन अगर आ जाए तो बड़ी दिक्कतें होती थी। हमने हर ज़िले में ऐसी जात वैधता समितियाँ बनाने के कारण एक सुलभ हो गया। अभी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता, भंडारा गोंदिया वालों को नागपुर जाने की ज़रूरत नहीं है और उन्हीं ज़िले में वो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। जहाँ तक कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ का हम सबको पता है कि उन्होंने एक भूमिहीनों को ज़मीन देने के बारे में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, उनके नाम से एक फिर योजना बनाई गई जिसमें कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना, जिसके तहत 3 लाख रुपए में प्रति एकड़ के हिसाब से मैक्सिमम 3 लाख रुपए ज़मीन को दिए जाते थे।
जो अनुसूचित जाति नवबौद्ध समाज का होता था उसको ज़मीन दी जाती थी, लेकिन 3 लाख रुपए में महाराष्ट्र में ज़मीन मिलती नहीं और इस कारण वो योजना जो थी तो वो योजना ठंडे में पड़ी थी। हमने उस योजना को पहले से अच्छे ढंग से किया और ये जो 3 लाख रुपए की मर्यादा थी उसको हमने बढ़ाए 8 लाख रुपए तक किए और निश्चित ही उसके कारण अभी जो भूमिहीन है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन देना चाहिए, तो उसमें हम लोगों ने अभी एक ज़मीन देने का एक काम शुरू कर रहे हैं। वैसे ही जो बच्चे थे, क्योंकि हॉस्टल हमारा इतिहास अगर हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हॉस्टल का निर्माण किया, कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने हॉस्टल का निर्माण किया, महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ने वसतिगृह बनाए, ऐसे कई लोग है, गाडगे बाबा जी जो है उन्होंने हॉस्टल, क्योंकि शिक्षण ये बहुत ही एक ऐसी बात है जिसके कारण आदमी का जो दर्जा है उसको ऊपर उठ सकता है, ऐसे बाबा साहब का कहना था। और उसके हिसाब से एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट्स है घटना में आया हुआ है और उसके साथ में लेकिन शिक्षण का जो प्रमाण था मागासवर्गीय समाज का, OBC VJNT SC ST इनका प्रमाण अगर एजुकेशन का देखें तो बहुत कम था और उसके कारण इनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, उच्च स्तर की एजुकेशन मिलना चाहिए। शहरों में आज जाओगे तो हॉस्टल वहाँ पर नहीं है, तो ये हॉस्टल उनको देने की एक अहम बात थी। जिन बच्चों को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिलता है उन लोगों को पढ़ाई आगे मुश्किल होती थी और इसलिए हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वाधार योजना अनुसूचित जाति के लिए और एक स्वयं योजना अनुसूचित जनजाति के लिए शुरू किए, जिसके कारण जिन बच्चों को हॉस्टल में शहरों में एडमिशन मिलता नहीं उनको 60,000 से लेके 45,000 तक हम उनको रहने का और उनका निर्वाह भत्ता भी हम लोगों को देते। तो ऐसी कई योजनाएं, अगर मैं ये योजना की याद ही बताऊँ तो बहुत लंबी है, लेकिन कई ऐसी योजना के माध्यम से सर्व सामान्य जो गरीब है उसके लिए अनेक योजनाएं शासन ने बनाई। किसानों की अगर बात किए तो मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जो योजना लाई, पिछले साल हमने कर्ज माफी दिए और उसमें अभी तक हमने कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज आवंटित किया गया है, कई किसानों को उसमें कर्ज मुक्ति मिली हुई है और मुझे लगता है ऐसे ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कर्ज मुक्ति थी आज तक का, अगर हमने रिकॉर्ड देखे तो ये सबसे बड़ी कर्ज मुक्ति महाराष्ट्र सरकार ने की। मुझे लगता है बीज वितरण के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए, हर एक अगर निर्णय देखे, वर्ग 2 की जो जगह थी उसको वर्ग 1 करने का सरकार का निर्णय, ये भी एक अच्छा निर्णय है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो महाराष्ट्र के सड़कें 25,000 सड़कों को, महाराष्ट्र के जो ग्रामीण सड़कें उसको जोड़ने का मुख्यमंत्री सड़क निर्माण की योजना के माध्यम से जोड़ने का काम हुआ, वैसे केंद्र सरकार में भी गडकरी साहब ने कई नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम किया। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ही किसानों का विकास, उसके साथ साथ ही जो अनुसूचित जाति के नवबौद्ध है, अनुसूचित जनजाति के लोग, इन सब का विकास करने का सरकार का जो प्रयास रहा और पिछले 4.5 सालों में हमने ये काम बहुत ही ईमानदारी से करने का हमारा प्रयास है और मुझे लगता है ये सब बातें लोगों को समझ में आती है, इसलिए हमारी सरकार जरूर आएगी, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। जैसे आपने कर्ज माफी की बात की तो विरोधी कहते हैं कि कर्ज माफी, वो कर्ज माफी कम थी और दिखावा ज्यादा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किसानों के अकाउंट में पैसे गए ये तो कोई दिखावा हो नहीं सकता, पिछले बार तो उन्होंने आश्वासन ही दिए। शरद पवार जी के ज़माने में 60,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी पूरे देश में हुई थी, उस समय महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला था, 4.5 हज़ार करोड़ से ज़्यादा मिला नहीं और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफ़ी किया। हमारे पास तो फिगर है ना, 15,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खाते में जमा हुए हैं ना, फिर दिखावे की बात क्या है? अगर कोई बोलता है दिखावे की बात तो आए सामने, हम ऐसे कई राष्ट्रवादी के और कांग्रेस के कर्जदार बताते जिनको कर्ज मुक्ति मिली है, 1.5 लाख रुपए उनके खाते में जमा हुए, 2 लाख खाते में जमा हुए, अगर ऐसी कोई बात करें तो हम लाते हैं उनके नाम और बताते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, इसलिए दिखावे का कोई विषय नहीं है, दिखावा नहीं है एक्चुअली, तो फैक्ट है। अभी अभी शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट है कि केंद्र में ना ही नरेंद्र सरकार होगी और राज्य में ना ही देवेंद्र सरकार, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मुझे लगता है वो शरद पवार जी का उनका खुद का मत है, उनके बारे में हमने यहाँ पे कुछ बोलना भी तो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार का काम है, जहाँ पे कई सालों से भाजपा का एक
कैंडिडेट भी नहीं था, वहाँ पे भी सरकार आ रही है। आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि देश के कई राज्यों में सिर्फ भारतीय जनता पक्ष की सरकार ही है, तो निश्चित ही मुझे लगता है बोलने का तो वो तो इलेक्शन का बयान हो सकता है, उससे हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन फिर से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना ये तो तय है, और पूरे देश में भी भारतीय जनता पक्ष का ही सरकार आएगा। सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सभी चुनावों में इनफॉर्म बैटिंग कर रही थी, भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के बारे में क्या हुआ? भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के बारे में भी बैटिंग अच्छी रही एक्चुअल, अब थोड़ा फार तो वो इनकम्बेंसी थोड़ी फार रहती है, वो कोई बात नहीं है। हिट विकेट हो गई, हिट विकेट विकेट कुछ नहीं हुई, विकास की बातें, उस समय हमने कर्ज माफी थी, थोड़ा फार संभ्रम था, कुछ ऐसी बातें रहती, इसका मतलब ये नहीं था, वो तो खैर उस समय थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। बाकी भारतीय जनता पक्ष बहुत मजबूत है, और भंडारा गोंदिया तो ये गढ़ है, बहुत पहले से गढ़ है, जब भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं था तब भी भंडारा गोंदिया जिले में भारतीय जनता पार्टी था और रहने वाला है, कुछ कुछ लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख रहे थे MNS न्यूज़ का एक विशेष कार्यक्रम रूबरू, जिसमें हमारे साथ थे राजकुमार जी बड़ोले। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। देश का क्या है मिजाज, क्या है विकास के नाम पर राजनीति का रंग, चुनाव की रणनीतियों की बारीकियों पर होगी मेरी राजनेताओं से चर्चा, देश में विकास रोजगार क्या युवाओं को लुभाने के लिए जुमले साबित होंगे, मैं यानी निनाद दीक्षित के साथ रूबरू में आप देखेंगे देश की राजनीति में क्या होगा 2019 में चुनाव की रणनीति।